अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उमर अख्तर और आज हम जा रहे हैं लियाज तुम्बा कढ़ाई पे खाना खाने। सो मेहमान स्टिल हमारे साथ हैं तो उनके साथ अब हमें जाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम लोग जा रहे हैं लियाज तुम्बा कढ़ाई। कौन सी जगह थी लियाज तुम्बा कढ़ाई? ट्रक अड्डा। ट्रक अड्डा जो बड़ा फेमस है, वहाँ का आज खाना टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। तो सुना तो काफ़ी है कि उसका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी है, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ। तो इसके बाद वहाँ पहुँच कर फिर आपको बताते हैं कि कैसा इनका खाना है। तो व्यूज़ तो हमने देखे थे उसके ट्रक अड्डा के, ये जो है लिहाज के काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ वगैरह थे, काफ़ी लोगों ने तारीफ वगैरह की थी। तो हमने सोचा कि हम लोग भी जाके फिर एक बार ट्राई कर ही लें। इतने व्यूज़ आ रहे हैं और इतने लोग कह रहे हैं कि यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ जाके मैं बता दूँ कि कैसा टेस्ट है और वहाँ की जगह कैसी है, आपके साथ शेयर करता हूँ और स्टेप बाई स्टेप आपको फिर इसके बाद शेयर करके बता दूँ कि कैसी है। ठीक है, आगे जाके मैं यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सफ़र पे। सफ़र काफ़ी लंबा था और बारिश भी हो रही थी साथ साथ। ये है कि मौसम बहुत अच्छा था इसलिए ज़रा मज़ा आ रहा था एंजॉय करने का, तो इसलिए हमें सफ़र का पता ही नहीं लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम पहुंच गए हैं तुम्बा कढ़ाई और ये है अंदरून शहर। यहाँ की फेमस है तुम्बा कढ़ाई ट्रक वाली साइड, अंदरून शहर लाहौर में। तो अब हमने ऑर्डर दिए, चेक करते हैं इसका कैसा है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं इसका कैसा बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इतना वेट करने के बाद खाना आ गया है। ये इनकी है तुम्बा कढ़ाई और अब ये तो खा के ही पता लगेगा कि कैसी है। तो स्टार्ट करने लगे, फिर आपको खा के फिर बताते हैं कि कैसा बना है। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम पहुंच गए हैं वापस अपने घर और खाना बड़ा टेस्टी था, वैसे बहुत ही मज़े का था। यानी ना स्पाइसी भी था और इस तरह का था कि यानी ये नहीं कि बस जलन ही हुई जा रही है जी, बहुत वो हैवी हो रहा है, इस तरह का कुछ नहीं था। टेस्टी था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मज़े का बहुत ज़्यादा था। बाकी सही रिव्यूज़ मैंने देखे थे कि यानी ना ऐसे ही नहीं फेमस हुआ हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यह कि ये लाहौर के अंदरून शहर में है, यानी काफ़ी दूर जा के जाना पड़ता है फिर आता ही। मेरे घर से तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा दूर है, कम से कम एक डेढ़ घंटे का सफ़र है मेरे घर से। तो यह कि मज़ा बहुत आया, काफ़ी टेस्टी था और माहौल भी अच्छा था। अच्छा, और दूसरा ये कि मौसम भी अच्छा था, इस वजह से भी थोड़ा वहाँ का मुझे अच्छा लगा और खाने में भी ईजी रहा। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग पे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और लाइक करेगा और शेयर करेगा और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मेरी मिल सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।